कैसे हैं आप? आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। आजकल है छुट्टियाँ और आप एंजॉय कर रहे हो, यू आर सिटिंग एट योर होम और आप अपनी हॉबीज को एनहांस कर सकते हो, आप म्यूजिक सुन सकते हो, मामा पापा की हेल्प कर सकते हो, गार्डनिंग कर सकते हो क्योंकि आजकल बड़ा अच्छा मौसम है फ्लावर्स लगाने का, और आप साथ साथ में मेरी कही हुई बातों को भी नोट कर सकते हो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए। ओके, तो आइए चलते हैं एंटरटेनमेंट राइड के ऊपर जिसका नाम है डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल। जब भी कोई ग्रैंड ओकेजन होता है बच्चों, हम एक दूसरे को देते हैं बुके। बुके में होते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स, स्पेशली ट्यूलिप, रोजेज। ओह माय गॉड, आपको पता है नीदरलैंड कनाडा को थैंक्स कहता है हर साल। क्यों? क्योंकि कनाडा ने नीदरलैंड की हेल्प की थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, इसलिए एवरी ईयर नीदरलैंड अपने यहाँ से 20,000 ट्यूलिप फ्लावर्स भेजता है कनाडा को एज अ जेस्चर ऑफ थैंक यू, उनको थैंक यू बोलने के लिए। और अगर आप भी किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं कभी या विश करना चाहते हैं, आप उनको फोटो की पिक भेज दो कि दिस इज फ्रॉम माय साइड टू योर गुड सेल्फ, मगर डोंट प्लक द फ्लावर्स, उनको खिले रहने दीजिए क्योंकि खिले हुए फूल सबको बहुत अच्छे लगते हैं। जी माय डियर चिल्ड्रन, ग्लोबल वार्मिंग को दूर करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर कंट्री, हर बंदा अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमने बात की जापानीज की, हमने बात की इंडिया की, और अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना अपनी तरह का फर्स्ट एक कंस्ट्रक्ट करने जा रहा है फॉरेस्ट बिल्डिंग्स। उसमें क्या होगा कि बिल्डिंग्स होंगी काफी सारी और उनके आसपास जंगल ही जंगल होगा, उसमें तरह तरह के प्लांट्स लगे होंगे और दूर से वो जंगल ही नजर आएगा, बिल्डिंग्स नजर नहीं आएंगी। ये इसलिए ताकि वहां पर रहते जो लोग हैं उनको फ्रेश एयर मिल सके, उनको पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट मिल सके। तो ये अपनी तरह का चाइना का एक फर्स्ट स्टेप है। वैसे आपको पता है जो इंडिया में भी जो बड़ी बड़ी मेट्रो सिटीज हैं वहां पर रूफ गार्डन्स का कंसेप्ट बहुत चलता है। हमारे पंजाब में भी आपने देखा होगा लोग अब रूफ टॉप गार्डन्स बनाते हैं, बड़े बड़े ना क्रिएटर्स मिल जाते हैं प्लास्टिक के, उसमें बॉन्जाय प्लांट्स उगाते हैं, अपने घर के लिए यूज के लिए वेजिटेबल्स उगाते हैं, एंड दे फील सो सेटिस्फेक्शन। यहाँ जलंधर में ही एक लोकेलिटी है, वहां पर लोगों ने आपस में मिलकर अपनी जो सामने वाली जमीन है उसमें प्लांट्स उगाए हैं, वेजिटेबल्स उगाए हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, वो जितना खुद कंज्यूम कर सकते हैं आपस में लोकेलिटी वाले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं और बाकी वो सेल भी करते हैं। हाउ गुड, हाउ नाइस। देखो वो कोई पेस्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खुद भी खाते हैं और लोगों को भी खिलाते हैं। वंडरफुल। भाई आपके जो स्टडी टेबल्स हैं वो कह रहे हैं कि भैया दीदी प्लीज आप हमें बिल्कुल स्पिक एंड स्पैन कर दो, प्लीज अरेंज ऑल द नोटबुक्स एंड बुक्स और जो फालतू सामान है वो उठा दीजिए, आप अपने टेबल्स को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, आपकी जो स्टडी अलमीरा है उसमें से जो पढ़ चुकी बुक्स है उनको निकाल लीजिए और मम्मा पापा को बोलकर नई बुक्स लाकर उसमें फिल कीजिए और रीड कीजिए। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, स्टडी के अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि जो मेसी रूम होता है जहां पे बुक्स बिखरी हो, सामान बिखरा हो, वहां पे जब आप एंटर करते हो तो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी आपकी एनहांस होती है, बहुत क्रिएटिविटी आप सोचते हो, आपको नए नए आइडियाज आते हैं, है ना। तभी आपने देखा होगा जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं उनका जो रूम है वो बड़ा हॉच पॉच होता है, सामान इधर उधर बहुत बिखरा होता है, मगर स्टूडेंट्स का रूम ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक आपको और टिप देती हूँ, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हो उसकी कटिंग कर लो और आपके जो यूज्ड किए हुए रफ रजिस्टर्स हैं उनके ऊपर पेस्ट करते जाओ, आपका एक लाइफ टाइम प्रॉपर्टी बन जाएगी। जब भी आपको रेफरेंस की जरूरत हो जस्ट ओपन दैट रजिस्टर, उसमें से इन्फॉर्मेशन नोट करो, क्योंकि आप अगर आप कटिंग करके रखोगे तो वो तो खो सकती हैं, रजिस्टर में पेस्ट की हुई कटिंग्स खो नहीं सकती और आपके पास बन जाएगा आपका अपना पर्सनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स यू कैन सी ब्यूटीफुल फ्लावर्स, येलो कलर के, रेड कलर के, कितने अच्छे अच्छे फ्लावर्स मनोज जी ने हमें अभी दिखाए हैं। आपको सबसे ज्यादा खूबसूरत क्या लगता है फ्लावर का? फ्लावर के कलर
या उसकी खुशबू, मुझे दोनों ही अच्छी लगती हैं। आपको पता है रोज कहीं किसी के लगा हो ना, हवा चले पता लग जाता है कि यहाँ आसपास कहीं रोज लगा है या सनफ्लावर लगा है या मैरीगोल्ड लगा है, है ना। तो फूल और खुशबू, इन दोनों को आप कभी अलग कर ही नहीं सकते, बोथ आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर। मगर जैसे जैसे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में 3-4 डिग्री अर्थ का टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होने शुरू हो जाएंगे और जो सुनामी है उससे बहुत सारी जो कोस्टल एरियाज हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। आपको पता है सबसे ज्यादा नुकसान होगा इसको, फ्लावर्स को, क्योंकि फ्लावर्स की खुशबू धीरे धीरे कम हो रही है और जैसे जैसे धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो फ्लावर्स की फ्रेग्रेंस है वो धीरे धीरे डिमोलिश होती जाएगी, धीरे धीरे कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। कैन यू इमेजिन अ फ्लावर विदाउट फ्रेग्रेंस? आई कैन नॉट। सो इफ यू वॉन्ट फ्रेग्रेंस फॉर होल लाइफ, आप अपनी जनरेशन को भी फ्लावर वाले, फ्रेग्रेंस वाले फ्लावर देना चाहते हैं, तो प्लीज ग्लोबल वार्मिंग कम करने में हेल्प कीजिए। से नो टू प्लास्टिक, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल नहीं कीजिए, सेव वाटर और जितना हो सके प्लांट्स लगाइए, ग्रीन प्लांट्स लगाइए, ट्रीज लगाइए। कोई भी आपकी ओकेजन है, कोई सेलिब्रेशन है, कोई पार्टी है, कोई बर्थडे एनिवर्सरी है, तो प्लीज आप जरूर प्लांट्स लगाइए। इट्स माई अर्ज टू एवरी वन टू सेव आवर अर्थ। पानी, मैंने आपको बहुत बार कहा है कि पानी इज द मेन इंग्रेडिएंट फॉर ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फॉर एनिमल्स एज वेल एज फॉर फ्लोरा एंड फौना। हर किसी के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरत है और इसकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस हम तब जानते हैं जब बहुत प्यास लगी हो मगर दूर दूर तक कहीं पानी पीने का ना हो। मैं आज से कुछ 5-10 साल पहले गई थी अहमदाबाद, तो घूमते घूमते लॉ गार्डन घूमकर जब हम बाहर आए तो पंजाब में क्या है, कहीं पे भी हम कह देते हैं भाई साहब पानी पिलाना, है ना। तो वहां पर मैंने कहा आंटी पानी मिलेगा यहाँ आसपास में? मुझे लगा कोई वाटर टैप होगी, वहां से पानी पिलेंगे या कोई बॉटल मिल जाएगी। तो वहां पर ना बर्फ की सिली के ऊपर जैसे हमारे दूध की पाउचेज आते हैं वैसे छोटे छोटे पानी के पाउच पड़े हैं, 1 रुपए का एक पाउच, और मैंने खरीद कर पानी पिया। मैंने कहा हमारे पंजाब में तो ऐसे ही छबीले लगा देते हैं बिना सोचे समझे, और देखो यहाँ पर पाउच मिल रहा है पानी पीने का। तब मुझे ये एहसास हुआ कि पानी कितना जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। यू नो व्हाट द जैपनीज पीपल दे आर डूइंग? दे आर स्टोरिंग द रेन वाटर। वो सारे रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं और उसको किस लिए यूज करते हैं? या तो पेड़ पौधों को पानी देने के लिए या सड़कें साफ करने के लिए। माई गॉड, ऐसे ही हमें ये सब करना चाहिए और जो बरसात का पानी है उसको स्टोर करके रखकर आप अपनी फसलों को दे सकते हो, घर को साफ करने के लिए दे सकते हो। इस तरह से आप पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हो। नारी तुम केवल श्रद्धे हो, पीयूष स्रोत्र सी बहा करो। जी हाँ बच्चों, जब ये आप वीडियो देख रहे होंगे तब हमारा इंटरनेशनल वुमेन्स डे निकल चुका होगा, वो आज है जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो आपकी मामा को, ग्रैंड पेरेंट्स को, आपकी चाची, नानी, मौसी, दादी, आंटी, सबको डिप्स ब्रॉडकास्टिंग चैनल की तरफ से हैप्पी वुमेन्स डे। आप सब खुश रहें, तंदुरुस्त रखें अपने आप को और प्लीज अपनी हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आप ठीक रहेंगे, आप तंदुरुस्त रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे तो आपकी फैमिली भी हेल्दी रहेगी। तो मोनिका ने एक प्यारी सी पोएम आपके लिए रिकॉर्ड की है, आई होप आप पसंद करेंगे और प्लीज इसको सारी प्यारी प्यारी वुमेन्स के साथ शेयर कीजिएगा। सुनन वाले सारे दोस्तों, अनहद स्टूडियो तो मोनिका दा नमस्कार। इंटरनेशनल वुमेन्स डे अज सारी कुड़ियां दे दिल दे चाह, उन्हां दी सोच, उन्हां दे जज्बे, उन्हां दे अरमान समेट के एक कविता लेके आए हाँ। कविता दा सिरलेख है मैं सच्ची जीना चाहनी हाँ, मैं सच्ची जमना चाहनी हाँ, मैं हौसलिया दा पुंज भी हाँ, मैं हौसलिया दा पुंज भी हाँ ते हिम्मत दा दरिया भी हाँ, जिस दर ते देव ते चुकदे ने मैं ममता दी दरगाह भी हाँ, मैं हौसलिया दा पुंज भी हाँ, मैं हिम्मत दा दरिया भी हाँ, जिस दर ते देव ते चुकदे ने मैं ममता दी दरगाह भी हाँ, मैं लक्ष्मी दी चनकार दे विच, मैं लक्ष्मी दी चनकार दे विच, मैं सस्सी वर्गा प्यार भी हाँ, मैं गुटते बज्जी रखनी हाँ, मैं गुटते बज्जी रखनी हाँ, मैं कुल दुनिया तो वखरी हाँ, मैं धरती जेही शांत भी हाँ,
मैं तरती जे ही शांत वी हाँ, मैं कविया दा बिरतांत वी हाँ, मैं मत्थे लगा टिक्का वी, मैं मत्थे लगा टिक्का वी, ते प्यो दी सिर दी पग वी हाँ, माँ दी मैं लाडली जाई हाँ, टोले दे हथ दा नग वी हाँ, माँ दी मैं लाडली जाई हाँ, टोले दे हथ दा नग वी हाँ, मैं कल्पना दी उड़ान दे विच, मैं कल्पना दी उड़ान दे विच, मैं जल थल ते असमान दे विच, मैं मोटी सितारे लाए हुए ने, मैं मोटी सितारे लाए हुए ने, किन्ने ही बाणे पाए हुए ने, मैं रन चंडी ते मरियम वी, मैं रन चंडी ते मरियम वी, मैं नूरा सुनीता विलियम्स हाँ, मैं किसे दे कर दी लाज वी हाँ, मैं किसे दे कर दी लाज वी हाँ, मैं लोक वी हाँ ते समाज वी हाँ, मैथों ही ए जग चलदा है, मैथों ही ए जग चलदा है, सब मेरी कुख विच पलदा है, सब मेरी कुख विच पलदा है, मैथों ही ए जग चलदा है, विच करस्ती दफ्तर दे, विच करस्ती दफ्तर दे, मैं सांझी हिस्सेदार वी हाँ, इनिया मैं मल्ला मारिया ने, पर फिर भी बाबल दे सिर दा भार वी हाँ, इनिया मैं मल्ला मारिया ने, बाबल दे सिर दा भार वी हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं चाहती हाँ, बस होंद मेरी स्वीकार करो, मैं इज्जत मान दी भुखी हाँ, कुछ मान दियो सत्कार करो, मैं इज्जत मान दी भुखी हाँ, कुछ मान दियो सत्कार करो, कंजक मन के जो पूज देने, कंजक मन के जो पूज देने, उन्हानू कहना चाहनी हाँ, कंजक मन के जो पूज देने, उन्हानू कहना चाहती हाँ, मैं सच्ची जीना चाहनी हाँ, मैं सच्ची जमना चाहनी हाँ, मैं सच्ची जीना चाहनी हाँ, मैं सच्ची जमना चाहनी हाँ। आओ आज इस दिन ते मिलके अहद करिए कि जे कुख दे विच कोई कुलकारी किसी धी दी है तो उन्हें जमन तो पहला असी चुप ना कराइए, उन्हें दुनिया चान दईए, खौरे कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स होवे। अनहद स्टूडियो वालों तुहानू सारिआं नू हैप्पी वुमेन्स डे। जी डियर फ्रेंड्स, कोविड फिर से नॉक 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 कर रहा है और सबको डरा रहा है। डोंट गेट पैनिक, अब वहां पर विश्वास नहीं करना है, र्यूमर्स को मत सुनिए, मगर अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। जो आपके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं उनको बोले कि वैक्सीनेशन करवाएं, इसमें कोई नुकसान नहीं है। और आप लोग जो हैं, आपको पता है कि शेक हैंड करने से बहुत सारे जर्म्स यहां से वहां ट्रांसफर हो जाते हैं, सो प्लीज शेक हैंड करना थोड़ा अवॉइड कीजिए, मास्क लगा के रखिए और हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। अब मैं आपको फिर मिलूंगी, एंजॉय योर हॉलीडेज एंड यूटिलाइज योर हॉलीडेज, टेक केयर, बाय बाय।